हेलो सो, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों ये 350 वाट का एम्पलीफायर। ये है दोस्तों यहां पे इको के साथ में आने वाला ATI प्रो का एम्पलीफायर। ओवरऑल मल्टीपर्पज यूजर्स के लिए वाला। आप इस पे आपके ड्राइवर यूनिट चला सकते हैं, स्पीकर भी चला सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं डिटेल के साथ में। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का बॉक्स पैकिंग। यहाँ पे आपको ATI प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साइड की अगर डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये मॉडल नंबर मेंशन करा गया है। ये है दोस्तों ATI 350 FX। इससे पहले मैंने 300 FX भी आपको दिखाया, ये इससे इम्प्रूवमेंट मॉडल है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे फीचर्स भी और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी हाइलाइट्स पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं मैं बात करूँ तो ये है दोस्तों यहाँ पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। और यहाँ पे फटाफट से इसको चलिए मैं अनबॉक्स यहाँ पे कर लेता हूँ। ओपन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मुझे मिलता है ये रिमोट। तो रिमोट जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलता है। तो आप इजिली इसमें रिमोटली से इसका वॉल्यूम या फिर आपको गाना चेंज करना हो या कुछ भी करना हो तो आप इसमें मल्टीमीडिया में कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे मेन यूनिट है हमारा एम्पलीफायर जो कि यहाँ पे थर्मोकॉल पैकिंग के साथ में आता है, ये देख लीजिए। तो एम्पलीफायर को मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये दोस्तों एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल और यहाँ पे आप देख सकते हैं ATI प्रो की अगेन ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसका मॉडल नंबर है ATI 350 FX। बाकी इसके अंदर माइक इनपुट्स आपको 1 से लेकर 6 तक मिलता है। पहले 2 माइक्रोफोन के इनपुट में आपको इको मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो कि 3 स्विचेस मिलते हैं ये USB ऑन ऑफ करने के लिए है, AUX 1 AUX 2 को सिलेक्शन देने के लिए है। माइक या 5 में कर लीजिए या फिर 6 में कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर का नोब हो जाता है, ट्रिबल बेस यानी हाई और बेस का ये आपको नोब जो है वो मिलता है। बाकी ये 2 जो कि नोब है ये है आपके डिले रिपीट यानी इको के लिए, जो कि आपको पहले दूसरे माइक में मिलता है ना, तो इसको इको सेट करने के लिए यहाँ पे ये नोब लाता है। इसका ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ मीटर मिल जाता है इको का, ये बात ध्यान रखना। बाकी एक मैं कहूंगा भाई प्लस पॉइंट यहां पे मुझे ये लगा, थोड़ा सा कहूंगा मैं अच्छा लगा फिनिश करने के लिए कंपनी ने क्या करा, जो कि ये मल्टीमीडिया पैनल होता है इसको यहाँ पे बॉडी के अंदर रखा तो काफी मतलब लुक में एनहांस सा फील दे रहा है। बाकी इसके अंदर ब्लूटूथ ये कार्ड मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है, पेन ड्राइव मिल जाता है, FM रेडियो भी इसके अंदर आपको जो है वो मिल जाता है। ये ऑन स्विच ऑफ बटन है, उसके ऊपर ऑन का इंडिकेटर, ओवरलोड का इंडिकेटर, जो कि ओवरलोड का स्विच है वो पीछे भी आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपने ये ड्राइवर यूनिट चलाना है या बॉक्स स्पीकर चलाना है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये इसके लेवलिंग इंडिकेटर हो जाते हैं, ये हैंडल बार आपको मिलते हैं, 3U का साइज इसमें देखने को आपको मिलता है। ये दोस्तों एम्पलीफायर का बैक साइड और यहाँ पे आप देख लीजिए ये टर्मिनल्स मिल जाते हैं। ये हो जाता है बैटरी का टर्मिनल जिसमें आप 24 वोल्ट DC जो है वो ऑप्शन आपको मिलता है। ये आपके लाइन मैच हॉर्न यूनिट होते हैं जिसमें कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट दोनों ही आपको मिलते हैं। इसके अलावा ये कॉमन का आपको मिल जाता है जिसमें 4-8 ओम्स दोनों के ये आपको ऑप्शन यहां पे देखने को मिलते हैं। बाकी ये अर्थ के लिए आपको ये जो है वो सॉकेट मिलता है। ये एंटीना का हो जाता है जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको FM भी मिलता है। बाकी रिसेट के लिए बटन है, ये फ्यूज सॉकेट हो जाता है, यहां से आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे आप देख लीजिए जो कि इनपुट्स हैं इसके, आउटपुट्स हैं यहां पे मेंशन है, लाइन आउट लाइन इन आपको मिल जाता है, प्री आउट, AUX 1 और AUX 2 जो कि सामने मैंने स्विच दिखाया था ना आपको याद होगा, तो वहां पे ये काम करते हैं। बाकी इसके अंदर आपको ये फैन भी मिलता है, 3 इंची का हाई क्वालिटी का फैन है भाई। हाँ, स्पीड इसकी अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। ये पैडल्स लगा रखे हैं ताकि ये पीछे के जो सॉकेट्स हैं या फिर ये फ्यूज सॉकेट ये टूटे ना, अगर आप इसको इस तरीके से रखते हैं तो, ये भी कंपनी ने ध्यान रखा है। बाकी यहाँ पे ये दोस्तों सॉकेट हो जाता है इसका, 3-पिन प्लग हो जाता है सॉकेट, अच्छी क्वालिटी का है, आप किसी भी इंडियन प्लग में इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अभी दोस्तों बात कर रहे हैं इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे जो कि मैंने 2-3 पॉइंट इसमें नोटिस करे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये है इसका इनपुट ट्रांसफार्मर, ये आप देख लीजिए ये प्योरली कॉपर के साथ में आता है। ये इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर हो जाता है, इन पर भी जो है वो ब्रांडिंग आपको ATI प्रो की जो है मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर है वो टोटल के टोटल यहाँ पे 8 ट्रांजिस्टर है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये 1 नीचे वाला, 2 ये, 3 और 1 4, तो 4 तो ये इधर हो जाते हैं और 4 जो है वो सेम ऐसे ही यहाँ पे प्लेस जो है वो करे गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए चारों यहाँ पे लगा रखे हैं। अब यहाँ पे ये जो फैन है ये यहाँ पे सेंटर में दे रखा है जो कि ट्रांजिस्टर है। दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे भी आपको ये हीट सिंक जो है वो ये पूरी जो बाहर आपको देखने को मिलते हैं ना चैसी, ये चैसी के साथ में ये हीट सिंक जो है वो दे दी गई है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर के साथ में हीट सिंक जो है वो यहाँ पे लगा रखे, इस साइड भी सेम वैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल क्लास जो एम्पलीफायर है वो आप ओवरऑल यहाँ पे, बाकी ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो ये आप क्वालिटी देख लीजिए, हर एक कंपोनेंट हर एक यहाँ पे आपको मटेरियल जो है वो इजीली मिल जाएगा।
जाएगा। एक चीज यहाँ पे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे ये देख लीजिए कैपेसिटर्स जो है, कैपेसिटर्स को यहाँ पे ग्लू से पूरा टाइट करा गया है। यहाँ पे फ्रंट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा बोर्ड जो है वो यहाँ पे हर एक चीज को, कंपोनेंट को यहाँ पे ग्लू लगा के टाइट करा है ताकि कोई भी लूज ना हो, और इस बात का कंपनी ने ध्यान दे रखा है। बाकी ये फ्रंट इसका प्लेट हो जाता है, इसके पीछे जितने भी ये नोब्स हो जाते हैं, मल्टीमीडिया पैनल हो जाता है, और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है। अगेन ये इसका ओवरऑल क्वालिटी होता है इंटरनल का। दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग में, बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर के जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी थोड़ी बहुत स्पेशल पावर रेटिंग्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा इसका पावर, तो कंपनी जो मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा है आपको 350 FX, यही दोस्तों इसका मैक्सिमम यहाँ पे पावर। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे ये लोड ज़्यादा यहाँ पे लेके चलता है। अगेन जब ये 8 ट्रांजिस्टर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई लोड कितना यहाँ पे इसका कैपेसिटी जो है बनने वाला है। बाकी यहाँ पे एम्पलीफायर फुल्ली रिपेयरेबल है, मैंने इंटरनल पार्ट से आपको खोल के दिखा चुका हूँ, और ओवरऑल इसके अंदर आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, यहाँ पे इको वीको सब कुछ इसके अंदर मिलता है, तो आप किसी भी टाइप के प्रोग्राम यहाँ पे इसमें ले सकते हैं। बाकी इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस पर ड्राइवर यूनिट भी जो है वो चला सकते हैं। मेरी तरफ से सजेशन है कि ड्राइवर यूनिट जब चलाएं तो तब आप स्पीकर कनेक्ट ना करें, तो ड्राइवर यूनिट चलाइए या फिर सिर्फ आप स्पीकर चलाइए। तो यहाँ पे स्विच इसलिए सिलेक्शन के लिए आपको देखने को मिलता है, इससे आपका सेफ्टी भी रहेगा, क्वालिटी भी यहाँ पे जो मेंटेन होगा। बाकी दोस्तों ओवरऑल अभी बस इसकी टेस्टिंग, तो मैं आपको एक बार आउटडोर में इसकी एक बार टेस्टिंग दिखा देता हूँ। 2 XII के हम यहाँ पे इस पे टॉप डालने वाले, उसके अंदर जो कि स्पीकर होंगे वो होंगे यहाँ पे 200+200, यानी एक टॉप जो है वो 400 वाट का होने वाला है। तो लोड तो काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या ये परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद मैं एक बार आपको माइक के साथ भी इसका इको कैसा चलता है वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, ये है माइक्रोफोन की टेस्टिंग। यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप लगा रखा है, 2 मॉनिटर हैं यहाँ पे 10 इंच के, और यहाँ पे एम्पलीफायर है। यहाँ पे जो कि इनपुट्स मिलते हैं ये तो आपको 6 मिल जाते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे 2 इनपुट्स में आपको ये इको वाला ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए इको के लिए सेपरेट दोनों के लिए ये नोब मिल जाते हैं। डिले रिवर्ब आप अलग अलग सेट यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों के लिए अलग है। यहाँ से सिंपली इसको ऑन करना है, तो ये यहाँ पे एक आपको टिक सी आवाज आएगी, तो यहाँ पे ये इको इसका ऑन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे माइक्रोफोन जैसे कि अटैच है, और अभी जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो पीछे ये दोनों स्पीकर्स जो है अभी चल रहे हैं, देख लीजिए। हेलो चेक, हेलो 1 2 चेक, ठीक है ना। अभी इसके अंदर कोई भी इको नहीं है। अभी मैं इसमें डालता हूँ इसका डिले, ये रिपीट दोनों है, थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं ताकि समझ में आए आप सभी को। तो ये है इसका इको डिले, यहाँ पे सिंपल डिले कितना आपने देना है। हेलो हेलो, ये रिपीट है, कितनी बार मेरी आवाज गूंजनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए बार बार, ये रिपीट हो जाता है। डिले कितनी देर तक ठहरना चाहिए मेरी आवाज को, वो यहाँ पे डिले सेट करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको कर सकते हैं। खास करके उनके लिए भी ये ज्यादा अच्छा है जो नाकखानी करते हैं या फिर छोटी सी कथा करते हैं, तो 2 माइक वहाँ पे जरूरी होता है, तो कथा में हल्का सा इको जो है वो चाहिए होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट सिस्टम के साथ में एक हर एक चीज दे दी गई है इसके अंदर, कोई भी कमी मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे रह रहा है। बाकी 6 माइक्स मिल जाते हैं एक पे, जैसे कि आपने मान लीजिए 2 आपने मेन दे दिए, यहाँ पे एक तबला आ गया, एक यहाँ पे पियानो आ गया, 1-2 यहाँ पे 2-3 आपको एक्स्ट्रा ही यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये हो जाता है, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे 6 के 6 ये वर्क करते हैं, और जैसे हम बताए ये यहाँ पे ब्लूटूथ की आप टेस्टिंग यहाँ पे देख चुके हैं। फिलहाल में अभी हम चलते हैं इसकी बाकी जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, जरूर चेकअप बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ये हैं कि यहाँ पे अगर आप एक बजट एम्पलीफायर विद यहाँ पे इको ब्लूटूथ हर एक चीज आपको चाहिए तो मैं आपको ये एम्पलीफायर रिकमेंडेड करूंगा। दूसरा यहाँ पे जब ATI Pro का नाम जुड़ जाता है तो सर्विस या फिर थोड़ा सा भरोसा जो होता है ना वो बन जाता है कि हाँ भाई चलो ATI Pro का एम्पलीफायर है, कुछ तो खास होगा। बाकी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कोई भी आपको सर्विस का प्रॉब्लम आफ्टर मार्केट जो है वो नहीं आने वाला है। बाकी आप इस पे जो है वो सिंगल 12 के 200 प्लस 200 250 प्लस 250 जो भी इजिली लोड डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डबल 12 के हों 250 प्लस 250 के जो कि आपको इजिली मार्केट में मिल जाते हैं, फिर वो चाहे अच्छे ब्रांड के हों चाहे फिर आपको यहाँ पे जेनरिक क्यों ना हो तो इस पे इजिली आप चला सकते हैं। बाकी ड्राइवर यूनिट 350 पे जो कि मेरा एक्सपीरियंस है या मैं जो चलाता हूँ तो इजिली जो है वो 10 यूनिट भी जो है वो आसानी से रन होते हैं अगर अच्छी खासी आपने लेंथ यहाँ पे दे रखी है तार की भी। बाकी बात करते हैं दोस्तों अवेलेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग डिटेल्स और आपके नियरेस्ट डीलर का पता सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।